अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा एक्वा हाइब्रिड 2021 मॉडल। ये टोयोटा एक्वा की लेटेस्ट जनरेशन है और 2024 में भी यही गाड़ी आ रही है। आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी 2024 शेप है, लेकिन ये गाड़ी स्पेसिफिक 2021 मॉडल है और एक्वा जी है। ये गाड़ी 1.5 हाइब्रिड इंजन के साथ आती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दी गई हैं और इस गाड़ी में इतने फीचर्स हैं जितने पाकिस्तान में कोई भी कार ऑफर नहीं करती लोकल कार। इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, रडार आता है, हेडलाइट्स गाड़ी की ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और इसके अलावा इंटीरियर में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी वन ऑफ इट्स काइंड है जो कि रिसेंटली टोयोटा ने इम्प्रूव करके लॉन्च की है वर्ल्ड वाइड। खैर, अगर बात की जाए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 82 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर स्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्रेफिन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिट भी की जाती हैं। सो गाड़ियों की किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटर स्पोर्ट्स इज अ प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी मोर और लेस पहले वाली एक्वा जैसी ही लगती है और आपको फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि उसी गाड़ी की सिर्फ हेडलाइट चेंज की हुई है, बट ऐसा नहीं है। ये गाड़ी ग्राउंड अप शुरू से डेवलप की गई है और इसमें चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो हेडलाइट इस गाड़ी की मोर और लेस फेसलिफ्ट वाली एक्वा जैसी हैं, लेकिन ये काफ़ी राउंड सी हैं, ये बिल्कुल एक ओवल शेप हैं और इसकी हेडलाइट के अंदर DRL काफ़ी बड़ी कर दी गई है जो कि इसके लुक को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बना रही है। ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं और इसके अलावा इसमें फिर एक सिंगल ही प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है बायसनॉन जो कि लो और हाई दोनों का काम करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो ये गाड़ी बहुत डिसेंट ऑफर करती है, इस तरह से कि इस गाड़ी में फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर तो आते ही हैं। ये गाड़ी जी ग्रेड है, टॉप ऑफ लाइन नहीं है, बट स्टिल इसमें रडार भी दिया गया है, क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है जो कि अडॉप्टिव है और इसके अलावा ये गाड़ी फिर फ्रंट पे कैमरा भी ऑफर करती है। इसमें कैमरा सेटअप 360 डिग्री आता है। ये चीज़ें इससे पहले टोयोटा की हाई एंड SUVs में आती थी बट टोयोटा इतनी छोटी कार में भी ऑफर कर रहा है। इससे पहले मैंने रिसेंटली यारिस क्रॉस का रिव्यू किया है और उसमें भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए थे। दिस कार इज नो डिफरेंट, इंजन भी दोनों गाड़ियाँ सेम ही शेयर करती हैं। फिर इसके अलावा ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी और इनकी हाइट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी बोनट के अंदर इसके कट लाइन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं एज कम्पेयर टू प्रायर जनरेशन और इसके बंपर में फिर ये नीचे फॉग लाइट्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन LED में है। इसके अलावा इसके सेंटर में एक काफ़ी बड़ा सारा ब्लैक पैनल दिया गया है जो कि इसकी लुक को अच्छा बनाता है और इसको टोयोटा फैमिली वाली लुक देता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक के लिहाज से मोर और लेस पहले जैसी ही है, लेकिन फीचर्स अगेन यहाँ पे बहुत सारा इम्प्रूव्ड हैं। इसमें कटर लाइन्स वैसे ही फ्लोई सी हैं लेकिन ये वाला एरिया बहुत डिफरेंट है और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर जो हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट शेप के हैं जो कि लेटेस्ट विड्थ वगैरह में भी आते हैं, लेकिन ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल के साथ साथ एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है और इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी दिए गए हैं। यह भी थोड़े से टिंटेड यानी कि ब्लू से शेड के साथ हैं जैसा कि हाई एंड कार्स में आते हैं और फिर नीचे इसके एक यहाँ पे कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देगा। ये सारी चीज़ें आप एक्वा से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे बट अब इसमें आ रही हैं। इसके अलावा एयर प्रेस में एक कंपनी से स्टैंडर्ड ही आए हुए हैं, इसमें फिर सॉफ्ट अनलॉक भी आता है यानी कि आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। और इसके व्हील कैप भी देखने में आपको पहले वाली एक्वा जैसे लग रहे होंगे लेकिन ये भी डिफरेंट हैं, इसका डिज़ाइन यूनिक है। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी देखने में तो पहले वाली एक्वा जितनी ही लगती है, लेकिन यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये है कि इस गाड़ी की व्हील बेस को 2 इंचेस लंबा कर दिया गया है। अगर आप इस पर गौर करें तो फ्रंट से तो ये वैसे ही लग रही है लेकिन बैक पे आपको वाजे आइडिया होगा कि ये ज़्यादा पीछे तक गई हुई है। ये 2 इंचेस लंबी व्हील बेस है और इसके अलावा ये गाड़ी चूंकि साइज़ के लिहाज से एक हैचबैक है तो इस गाड़ी की अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों में जो कि ऑफिस गोइंग हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर वो लोग जो कि अपनी पहली कार ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो ये गाड़ी साइज़ में काफ़ी छोटी है तो इसका मनूवर करना आसान है और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो ये एवरेज भी अच्छी देती है। फीचर्स के लिहाज से तो ये काफ़ी इक्विप्ड है ही, सेफ भी है और इसके अलावा ये गाड़ी फिर टोयोटा भी है यानी कि रिलायबल भी है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो रूफ है ये स्लोपिंग शेप में आती है यानी कि सेंटर से थोड़ी सी ऊपर है लेकिन बैक पे आते आते ये नीचे होती जाती है और इसमें कैरेक्टर लाइंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं जो कि मैं आपको बैक से शो कराऊंगा अभी। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की तो यहाँ पर टोयोटा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बेशक डोर में हो या फिर टेल लाइट में हो। डोर इस गाड़ी का वैसे यहाँ तक है लेकिन इतना सारा एरिया इसका एक्स्ट्रा है, आई डोंट नो व्हाई। लुक्स में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है और इसमें एंट्री एक्सिट भी काफ़ी आसान है। डोर पैनल इस गाड़ी का काफ़ी लंबा है और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके टेल लाइट भी बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खींची हुई हैं। इसकी टेल लाइट लिटरली यहाँ से शुरू होती हैं और उसके बाद 1.5 फुट के पीछे तक आती हैं यहाँ तक। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजंस हैं, टोयोटा ने एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में इसको बहुत ही ओवरकिल कर दिया है मेरे ख्याल से, लेकिन अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छी लगती है।
बाकी इसके फ्रंटल थोड़े से बोस्टर्ड हैं, यानी कि ये बॉडी से बाहर आए हुए हैं, और इसमें ऊपर फिर शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रहा है। बैक पे यहाँ पे आके गाड़ी थोड़ी सी नीचे हो जाती है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ हद तक अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स का हाइड्रो भी कॉम्प्रोमाइज करवाएगी। ये आगे हम चेक करेंगे जाके इंटीरियर में। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। यहाँ पर टोयोटा ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इसकी विंडशील्ड को काफ़ी छोटा कर दिया है, टेल लाइट्स को काफ़ी ड्रैग कर दिया गया है, बम्पर काफ़ी बोस्टर्ड कर दिए गए हैं, लेकिन नंदरस फीचर्स के लिहाज से गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, रेयर विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है, और स्पॉइलर के अंदर इसके ब्रेक लैंप भी आता है। इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए एक डिश यहाँ पर रिलीज किया गया है, और ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस। और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू प्रायर जनरेशन। यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं, 3 से 4 बड़े बैग आ सकते हैं, और इसके अलावा नीचे दिए गए लिड को उठाकर आप इस गाड़ी की टूल किट और स्पेयर टायर एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में स्पेयर टायर भी आता है, मोस्टली कार्स ये डिश करवा चुकी हैं, लेकिन ये गाड़ी ऑफर करती है, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर एक लाइट भी दी गई है, रियर बेंच 60/40 स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके अलावा इसके टोयोटा के अंदर ये ब्लू कलर की लाइन्स दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है, और इसमें फिर नीचे एक रेयर फॉग भी दी गई है जिसको आप अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी रेयर बम्पर के अंदर भी ये ब्लैक कलर का पार्ट कंटिन्यू करता है जो कि इसके लुक को थोड़ा बेहतर बना रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पर लिटरली हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, और सब कुछ ही रीडिज़ाइंड है, पहले वाली कार से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया गया। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 spoke है, और ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील टोयोटा के मोस्टली कार्स में आ रहा है, बेशक को यारिस क्रॉस हो या ये कार हो, और विड्थ में भी स्टीयरिंग कंटिन्यू किया गया है। इसके लेफ्ट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट साइड को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसका एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसके अलावा लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार वगैरह, इस तरह के सेंसर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा ये गाड़ी एयरबैग भी 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 pillars में और 2 seats के साइड पर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के हैंडल के कंट्रोल की, तो ये भी फुल रीडिजाइंड है, इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, और इसको ऑफ करने के लिए अगर आप एक दफ़ा नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएंगी, दोबारा नीचे करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी। ये बेसिकली लेटेस्ट स्टॉक है इसका। इसके अलावा फिर यहाँ पे फॉग का कंट्रोल दिया गया है, वाइपर्स का भी नॉर्मल से दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी ही स्क्रीन है। पहले बेसिकली स्क्रीन वाला मीटर एक बड़ी लग्जरी समझी जाती थी, बट अब टोयोटा ने ऑलमोस्ट हर कार में देने शुरू कर दिए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये काफ़ी हाई डेफिनेशन स्क्रीन है जो कि आपको स्पीड डिजिटल फॉर्मेट में शो करवाती है, फिर सेंटर में इसका एक MID दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी की बहुत सारी स्टेट शो करवाता है, गाड़ी के मैसेजेस, और इसके अलावा यहाँ से आप इसके फीचर्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार के, पार्किंग सेंसर्स के, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी हाई डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे लेफ्ट पे ये गाड़ी आपको गेस और इसके इको के स्टेट शो करवा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की हाउसिंग की, तो ये डिसेंट सी है, और डैशबोर्ड इस गाड़ी का सारा ही प्लास्टिक की फिनिश में है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि एक इकोनॉमिकल सेक्टर की कार है, तो मेरे ख्याल से डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी इसमें कोई बहुत सारा मैटर करती नहीं है। इसके अलावा सेंटर में फिर ये काफ़ी मैसिव मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि डैशबोर्ड के सेंटर से ऊपर निकली हुई है, यानी कि ये फ्लोटिंग डिज़ाइन के अंदर है, और ये काफ़ी हाई डेफिनेशन है। ये स्क्रीन थाईलैंड वाली कार्स में आती थी पहले, और पाकिस्तान में रिसेंटली ही रेवो GR के अंदर आना शुरू हुई है, लेकिन टोयोटा ने बाहर की कंट्रीज़ में ये एक्वा जैसी कार भी देना शुरू कर दी है। पाकिस्तान में ये सिर्फ रेवो GR में आती है, ये फॉर्चुनर GR में आती है, इवन उनकी छोटी ट्रेन में भी नहीं आती है स्क्रीन, बट बाहर ये इतनी सी कार्स में भी आ रही है। खैर, ये स्क्रीन काफ़ी इंट्रैक्टिव है, ये आपको इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल भी शो करवाती है, बाकी गाड़ी की स्पेड भी आपको इसी के अंदर शो होती हैं, इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें भी आती हैं, और इसके अलावा ओवरऑल स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, इसका इंटरफेस काफ़ी डिसेंट सा है, और इसके अलावा स्क्रीन लैग भी नहीं करती, तो इन शॉर्ट पाकिस्तानी स्क्रीन से ये बहुत बेहतर है। फिर इसकी हाउसिंग भी काफ़ी डिसेंट सी बनाई हुई है, और इसके आसपास का एरिया सारा लेदर की फिनिश में है, उससे नीचे फिर ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में एक एरिया दिया गया है, और इसके सेंटर में इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल ही जोन ऑफर करती है, लेकिन इसके जो डाइज हैं ये काफ़ी प्रीमियम है, अगर आप इसको फील करें तो आपको सही एक बड़ी कार वाली फील आएगी इससे। इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके वॉल्यूम रॉकेट दिया गया है, और इसमें साइड मिरर भी हीटेड आते हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उससे नीचे इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है, गैस सिलेक्टर इस गाड़ी में प्रीवियस जैसा दे दिया गया है, पहले एक बार यहाँ नीचे ऑफर करती थी और प्रीवियस में यहाँ आता था। इसका गैस सिलेक्टर डैशबोर्ड माउंटेड है, और इसकी जो गैस सिलेक्शन है वो है PR&D और B। इसको गियर्स में इस तरह से स्विच करेंगे और ये फिर अपनी जगह पे आ जाता है वापस लाइक दिस, और पार्क करने के लिए प्रॉपर अलग से बटन दिया गया है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने के हैं, ड्राइव मोड्स के बीच में नेविगेट करने के हैं, और उसके नीचे फिर EV मोड दिया गया है। ड्राइव मोड से गाड़ी टोटल 3 ऑफर करती है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। फिर EV मोड में आप इस गाड़ी को बैटरी पर चला सकते हैं। उससे नीचे फिर एक ये ड्रॉर दी गई है जहाँ पे एक्वा की बैजिंग दी हुई है, और उसको अगर आप ओपन करेंगे तो उससे नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है जिसके अंदर एक USB इनपुट दिया गया है। उसके पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड आती हैं।
ये अगर मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा फीचर है। फिर उसके पीछे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि लेदर की फिनिश में है, लेकिन ये काफी स्क्वीज्ड है। यह है तो काफी लंबा लेकिन साइड से काफी अंदर है, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो सकता था। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी की सारी ही फैब्रिक की फिनिश में है, लेकिन ये फैब्रिक टेक्सचर्ड है। इसमें साइड्स में और सेंटर में टेक्सचर दिया हुआ है जो कि इसके लुक को बेहतर बना रहा है। और इसकी सीट के आगे एक एरिया दिया गया है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस। आई डोंट नो इसका क्या यूज है, अगर आपको पता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा फिर अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की, तो डैशबोर्ड जैसा ही प्लास्टिक इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। आर्मरेस्ट इस गाड़ी के लेदर की फिनिश में है और बाकी सारा डोर पैनल प्लास्टिक का है। इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज के कंट्रोल की, तो इसमें सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, बाकी सारी विंडोज नॉर्मल है। और अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की, तो रिट्रेक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और उनमें ऑटो का फीचर भी आता है। राइट पे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरास को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का कंट्रोल, और इसके अलावा फिर यहाँ पे इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी दिया गया है। इसमें स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो इसके ग्रिप्स ये जो हैं ये गर्म होंगी सर्दियों में, ये आपको एक काफ़ी कूजी सी फील देती हैं। तो इन शॉर्ट इसमें हीटर तो है ही, लेकिन आप इसके स्टीयरिंग व्हील के हीटर को भी ऑन कर सकते हैं और सीट्स में भी आप हीटर वाला फंक्शन ऑन कर सकते हैं, तो ये गाड़ी आपको हर तरफ से कंफर्ट देगी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महंगी चीज़ है। फिर उससे नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, और अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। ऑटोमेटिक वैनिटी मिरर इससे पहले सिर्फ प्राडो में आते थे, फॉर्च्यूनर में भी नहीं आते, बट अब इस गाड़ी में भी आ रहे हैं। फिर सेंटर में कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं, इनकी लाइट काफ़ी मज़ेदार है। रेवी मिरर इस गाड़ी का बेसिक सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये मोर लेस पहले वाली एक्वा जैसी ही है, लेकिन जैसे इस गाड़ी में लेग रूम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम के यहाँ पे बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, ड्राइवर की सीट मैक्सिमम पीछे है और स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है। और हेडरूम भी इस गाड़ी में सफिशेंट है। इसकी रूफ थोड़ी स्लोपिंग है, आगे से थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन बैक पे आके नीचे हो जाती है, बट स्टिल ये किसी को ट्रबल नहीं करेगी। बैक पे इस गाड़ी में फ्लोरबेड भी फ्लैट आता है, तो यहाँ पे आप 2 से 3 लोग बिठा सकते हैं। इसमें 3 हेडरेस्ट भी दिए गए हैं। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे डिसेंट आते हैं। इस तरह से कि इसके सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में इसके एक 100 वोल्ट का पावर आउटलेट आता है, जहाँ से आपके फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा बैक पे गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है, और इसकी सीट्स में आरसीवी के पोर्ट्स भी आते हैं और सीट बेल्ट्स भी आती हैं। डोर पैनल्स का ये काफ़ी मैसिव है, लेकिन इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है ब्लैक वाला, ये बहुत बड़ा दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई, ये इसकी विंडोज़ को बहुत ज़्यादा कट करता है गाड़ी के बाहर से डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए। अंदर से इसके बाहर के रूम को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया, ऐसा ही रूम पहले CHR का था, अब इस गाड़ी में भी कंटिन्यू कर दिया गया है। अगर ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुला होता तो बेहतर था, बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन की गाड़ी 1500 cc हाइब्रिड ऑफर करती है। ये इंजन M15 AFXE है जो कि अब रिसेंटली रिडिज़ाइन किया गया है, और ये पिछली जनरेशन से कंपैरेटिवली बहुत इंप्रूव्ड है। इसमें जो हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है, और ये 2021 के बाद से ही टोयोटा ने इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा ये इंजन 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा तो ऑल्टिस 1.6 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि गाड़ी हैचबैक होते हुए भी इतनी हॉर्स पावर ऑफर करती है, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। और इसके अलावा ये गाड़ी ट्रांसमिशन भी CVT ऑफर करती है, और इसके CVT गियरबॉक्स के ऊपर इसका बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर माउंटेड है। ये गाड़ी 1.5 हाइब्रिड है, और ये गाड़ी को एवरेज भी 25 से 30 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो। बाकी यही इंजन अब टोयोटा की और भी बहुत सारी कार्स में आ रहा है, बेशक वो ये एक्वा हो, क्रोला क्रॉस हो, यारिस क्रॉस हो, इस तरह की गाड़ियों में मैंने उनके रिव्यूज भी किए हुए हैं और आप मेरे पेज पर जाकर देख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि ABS, ट्रैक्शन, ड्राइविंग मोड्स, और बाकी बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ही ओपन होता है। इसमें फिर इंस्टॉलेशन भी दी गई है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो एक्वा जीजो टायर साइज ऑफर करती है। यह 185, 65 और 15, इसमें 15 इंच का रिम है और स्टील रिम है बेसिकली, और इसके ऊपर ये व्हील कैप लगा हुआ है। टायर इस गाड़ी में डनलॉप का है और ये अच्छा खासा रिमेनिंग है। ये गाड़ी सिर्फ 2700 किलोमीटर चली हुई है, तो इसके टायर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही हैं, और ये आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक्वा फ्रंट पर डिस्क और बैक पर ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है, बट स्टिल इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसके राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू, अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये कार्ड लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।